डायस पर मौजूद हजरत हसन इमाम साहब, कांग्रेस के कॉरपोरेटर जुबैर इनामदार, असद शेख, एडवोकेट शेख खान, शादाब नकवी, फजल अब्बास, नासिर हुसैन, मुंतजीर हुसैन, सैयद अहमद अली, टिकट मस्जिद हजरात, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यहाँ इमाम साहब बैठे और इमाम साहब की तकरीर के बाद और बयान के बाद हम तो हमारा बयान होना सही नहीं है, मगर आप और हम सब एक बात को अच्छी तरह जानते हैं, सभी मजहब में और खुसूसी आपके हमारे मजहब में तिलावत करना, जिक्र करना, इसका सब में ज्यादा सवाब है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा। तिलावत करना और जिक्र करते रहना, अल्लाह की, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के नबी का जिक्र, सभी का जिक्र करते रहना, उसका सवाब है। और क्यों है सवाब? सवाब इसलिए है कि जब आप जिक्र करते हो तो आपकी सोच उनके ताल्लुक से, उनके बताए हुए रास्तों से, उनके किए गए अमल से, उनके हदीसों से आपका दिल और दिमाग तरोताजा रहता है, और उन सारी बातों को आप अपने जाती रोजमर्रा की हर वक्त की जिंदगी में उसे अंजाम दे सको। मेरा यह मानना है कि जिक्र करने का सबसे ज्यादा सवाब इसीलिए होता है कि आप जब अल्लाह का जिक्र करोगे, उसके रसूल का जिक्र करोगे, अली का जिक्र करोगे, तो क्या कोई आप गलत काम करोगे? मैं पूछना चाह रहा हूं, कोई गलत काम करोगे आप? आप जब जिक्र कर रहे हो, तिलावत कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, तो आप कोई गलत काम नहीं करोगे, आप सही काम करोगे, अच्छाई करोगे, बुराई से दूर रहोगे, फसादात से दूर रहोगे, अहंकार से दूर रहोगे, मैं पने से दूर रहोगे, और आपका हाथ, आपका सर अल्लाह की शान में सजदे में झुका हुआ रहेगा, और आप जो है हर गरीब के, मजलूमों के, औरतों के, बेवाओं के, बच्चों के, यतीमों के खिदमत में आप हमेशा मशगूल रहोगे, और आप ये सोचोगे कि मैं कैसे अच्छा काम कर जाऊं, मेरे से हर वक्त, हर सेकेंड किस तरह अच्छा काम हो, किस तरह मैं सवाब कमा लूं, ये जिक्र का फायदा होता है, और इसीलिए उसका सवाब सबसे ज्यादा है। रास्तों के नाम वलियों के नाम पे, नबियों के नाम पे, नबी के नाम पर, बुजुर्गाने दीन के नाम पर, नामचीन हजरात के नाम पर, बड़े नेताओं के नाम पर इसीलिए रखा जाता है कि लोग आते जाते उस चौक को देख करके, उनकी याद करके, उनकी बातों को याद रखें, उन्होंने बताए हुए उसूलों को याद रखें, उन्होंने बताए हुए रास्तों को याद रखें, उन्होंने बताए हुए उन खिदमतों को याद रखें और आवाम की खिदमत करें। और यही वजह है कि आज यहां पर हैदरी चौक का नाम जो है मुंतजर किया गया है। कुछ दिन पहले हमने वहां पर सिमनानी चौक किया, आला हजरत मैदान है, खाया गरीब नवाज मैदान है, अशोक वर्मा चौक है, तो ये सारे बुजुर्गाने दीन और इनके नाम जो चौक पे लगाए गए हैं, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उसकी बेइज्जती करने के लिए नहीं लगाए गए, इस बात को आप गौर कीजिए। उसकी बेइज्जती कब होगी? जब आप आपस में ना इत्तेफाकियां करोगे, आपके इलाके में गलत काम होगा, गलत हरकतें होगी, आपस में फसादात करोगे, बेवाओं के, यतीमों के, गरीबों के हक को मारोगे, इलाके को साफ सुथरा नहीं रखोगे, और सारी गलत हरकतें जो आप करोगे उससे क्या होगा? बेअदबी होगी। तो अगर तो आप चाहते हो कि जिस शान से
ये चौक का नामकरण किया गया है, जिस शान से ये कंक्रीट के रास्ते बनेंगे, तो आपका फर्ज है कि उसे मेंटेन किया जाए, उसे संभाला जाए और उन चौक के नाम, उन रास्तों को बनाने के पीछे का मकसद समझा जाए कि ये नामकरण का मकसद क्या होता है। रोशनी लगा दी, चार झाड़ अच्छे लगा दिए, बोर्ड अच्छा बना दिया, स्टील का ग्रिल अच्छी लगा दी, उससे उसकी शान नहीं बढ़ेगी। उसकी शान कब बढ़ेगी? जब उसके एतराज में रहने वाले लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलो, उनके एहतराम करोगे, अपने इलाके को साफ सुथरा रखोगे, लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़ोगे, ना कि बेइत्तेफाकी के लिए, ना कि फसाद के लिए। मस्जिदें क्यों बनती है? इबादत के लिए। इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए। और अल्लाह से ज्यादा मैं समझता अल्लाह ताला चाहता था कि ये बंदे तो अपनी नमाज, अपनी इबादत अपने खुद के लिए कर। ये पांच वक्त इबादत करेगा, सिजदे में सर झुका रहेगा, तेरा तो दिल और दिमाग भी शांत रहेगा, दुनिया की बुराइयों से तू दूर रहेगा। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की शान तो उसका जिक्र करने में ही होता है, मगर उससे ज्यादा इंसान का अपना खुद का फायदा है। पांच वक्त वर्जिश तो करता नहीं तो पांच वक्त योगा करेगा, जो नमाज के सारे आसार है आप देखते हो वो क्या है? योगा है। योगा के क्लासेस के पैसे भर करके हम ट्यूशन के ले जाते, बाबा राम तो करोड़पति बन गया वही योगा दिखा के जो आपके हमारी नमाज के सारे सिस्टे हैं। और यहां पर हमने रास्ता बनाया है अशरफुल अपना जाने मस्जिद अल शम से लेके ब्रिज तक, इतना बेहतरीन फूल वगैरह लगाए हैं, अभी जाके देखिए आप कितना बेहतरीन, ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बड़े गार्डन में आप चल रहे हो। पूरे रास्ते के डिवाइडर पे जो है चाफा का खुशबू आती है, लाल सफेद पिंक सभी कलर के फूल वहां नजर आते हैं। अगर वही रास्ता आपको मैं दूसरे इलाकों में जाकर दिखा दूं तो सवेरे 5 बजे से लेकर तो 8 बजे तक रास्ते पे चलने की जगह नहीं मिलेगी। हजरात वहां पे लोग वॉकिंग करते हैं, वर्जिश करते हैं, बच्चे साइकिलिंग करते हैं। और वही आपके हमारे इलाके में क्या हो रहा है, 11 बजे तक इंसान और इंसान की जात उस रास्ते पर नजर नहीं आती। आला हजरत मैदान है, मगर उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको हमारे को फुर्सत नहीं है। अरे भाई, उस मैदान का नाम ही इसलिए दिया गया था आला हजरत कि कम से कम उनके कुछ खिताबात तो आप हम पढ़े, समझे और उस पर अमल करें। खाजा गरीब नवाज के नाम से मैदान रखा गया है, ओपन जिम बनाया गया है, मगर उस पर भी जा करके आपको हमको फुर्सत नहीं है। मैं इमाम साहब, वो मदरसे में पढ़ने वाले गरीब बच्चे, यतीम बच्चों का मैं उन्हें सल्यूट करता हूं, उन्हें सलाम करता हूं कि अक्सर मुझे मैदान में वो गरीब बच्चे नजर आते हैं, मगर जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़ी इमारत में रहते हैं, बड़े बुजुर्ग, बड़े आलीशान मकान में आप लोग रहते हो, सारी परेशानियों की जड़ है सेहत, और सेहत का सारा, सेहत को संभालने का सारा रास्ता आपके हमारे मजहब ने पांच वक्त की नमाज में ही बता दिया है। उससे भी हम दूर है, वर्जिश करने से दूर है, पढ़ाई लिखाई से दूर है, इबादत से दूर है, तो इन सारी चीजों को आपने फिर से उजागर करने के लिए हमने सारे चौक के नाम इस तरह से रखा है। अब जब कंक्रीट का रास्ता बनेगा तो वो इसके लिए नहीं बनेगा कि उसमें बकरे की दुकान ला करके बकरे वहां पे कसर आप जो है उसकी कुर्बानी रास्ते पे करो। साफ सफाई, सिविक सेंस जिसको कहा जाता है दुनिया में, जैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी इस्लाम की देन है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी इस्लाम की देन है, और सिविक सेंस ये भी इस्लाम की देन है, मगर आपके हमारे इलाके देखे तो ऐसा लगता है कि आप और हम कभी सूरी नहीं गए। दुकान वहां होगी कसाई की, मगर बकरा वहां कटेगा, ये कौन समझाएगा? अच्छा, टपरियां जब तक के नहीं लगेगी आपके हमारे इलाके में, और गोश्त की और सीख कबाब की दुकानें नहीं लगेगी, तो
तो आपको हमको फख्र ही महसूस नहीं होता है, हमको लगता ही नहीं कि हम मुसलमान इलाके में, हमको कमी लगती है, कमी महसूस होती है कि अगर टपरियां नहीं है, हॉकर्स नहीं है, गंदगी नहीं है, गोश्त की दुकानें नहीं है, सिख कबाब की दुकानें नहीं है और रास्ते पर नहीं है तो हमको कमी लगती है। इतनी आलिशान मस्जिद अल्लाह का घर तो कोई आप और हम क्या बनाएंगे, अल्लाह ताला खुद बनवा लेता है। अलशम्स अब उसके बाजू में देखो, हमारे कॉरपोरेटर से मैं कहते रहता भैया ये देखो बाजू में ही सिख की दुकान, प्लॉट पीछे पूरा खाली खड़ा है, आगे नाले के ऊपर दुकान सिख कबाब, अब ये रोज हाथ पैर जोड़ते पीछे ढकेलते फिर चार फीट आगे। अब इस रास्ते पे आप चलिए, इस रास्ते पे चलिए, वही हालात है, सोसाइटी के लोग अलग परेशान होते हैं, आवाम अलग परेशान होती है। तो ये सारे परेशानियों का हल जो है वो ये चौक का नाम है और इबादत है और जिक्र है, जिक्र है, ये जिक्र कर रही है, इबादत कीजिए तो अपने आप आपको हमको लगेगा कि नहीं हमको जो है सबको मिलजुल करके काम करना होगा इलाके की बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए, नौजवानों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, हर एक के लिए काम करना है, वो आपको हमको सबको मिलके करना है, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप और हम सब मिल करके इस शहर को आपने हमने सबने मिलके बसाया है और इसे उसी तरह से इसकी शान को बरकरार रखने का काम भी आपकी हमारे सबकी जिम्मेदारी है। हाथ उठा के बताइए है या नहीं है। अरे एक हाथ में फोन है तो कैसा, दोनों हाथ उठेंगे, दोनों हाथ उठा के बताइए है ना। बहुत बहुत शुक्रिया।